Hey guys, welcome to my new vlog. तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. गाइस, इतनी गर्मियाँ पड़ रही है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, और हम कहाँ जा रहे हैं अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, और जब डिसाइड होगा तो मैं आपको बता दूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं घूमने के लिए. अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, और पहले भी गई थी शॉपिंग करने पर मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि टाइम ही बहुत लेट ही जाती थी, लेकिन आज मैं जल्दी जा रही हूँ और भी घर में काम होते हैं ना, तो इसलिए आज मैं जल्दी जा रही हूँ. और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहे, मैं आपको दिखाऊंगी जो बहुत ही अच्छा है. मतलब सुबह सुबह उठो तो सबसे पहले उनके ही दर्शन होते हैं. तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये मंदिर जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है. आप तो मेरे ब्लॉग में देखे, फर्स्ट ब्लॉग तो यही है मेरा, इन्हीं मंदिर के हैं, तो आप देख. मेरी सैंडल पता नहीं मैंने कहाँ रख दी क्योंकि घर में काम स्टार्ट है इसीलिए, तो मुझे ये चप्पल पहन के आना पड़ा. फिर इन्होंने बताया आपकी उप सैंडल फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगी. फिर मैं आई यहाँ पे और मैंने देखा ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था पर मुझे पसंद नहीं आ रहा था. फिर मैंने देखा दूसरा तो नहीं, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब बेकार लग रहे थे. फिर देखते देखते मुझे ये जूती पसंद आई, अच्छी थी, पसंद भी आ गई, पर ये छोटा था, इसका साइज मिला ही नहीं मेरे साइज का. तो फिर मुझे पसंद आया ये वाला. बस कलर डिसाइड करना था कि कौन सा लूज, समझ नहीं आ रहा था. फिर मैंने लिया ये ब्लू कलर का, और कितनी प्यारी है ना, बहुत अच्छी लग रही थी. जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो मैंने कहा बाप रे, नहीं 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 मैं नहीं लूँगी. क्या करती, फिर से वही चप्पल पहनना पड़ता और दूसरा कोई पसंद आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते. अब हम आ गए हैं बाहर और अब हम जाएंगे कपड़े की शॉपिंग करने. तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हर पसंद की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, और सच में मिल भी रही थी. कितना प्यारा लग रहा है, वाह, प्यारा के साथ साथ कीमत भी अच्छी है. फिर हम गए सेकंड फ्लोर पे, और ये शर्ट मुझे बहुत पसंद थी पर क्या करूँ, जिसे पहनना है उसे पसंद ही नहीं है. अब हमारी शॉपिंग हो चुकी है, छोटी मोटी बची है तो अब हम कल कर लेंगे आसपास से. भूख बहुत तेज की लग रही थी और मैं बोर भी हो रही थी, पर खाने वाले का तो पता ही नहीं था. पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट में आ गए थे, खाना भी इतना देर हो रहा था, ला नहीं रहा था, बार बार पानी पी जा रही थी मैं और बोर भी हो रही थी. फिर आ गया मेरा खाना, मैं तो टूट पड़ी पूरी तरह से. ये देखो ये देखो ये तो आप लोगों के लिए कॉमेडी था, हंसाने के लिए, ये वाला हाँ ये वाला आप लोगों को हंसाने के लिए था. फिर आ गया मेरा बिरयानी, फिर अब हो गया हमारा खाना. अब हम बाहर निकल गए, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि उन्होंने खाना ही लाने में काफ़ी टाइम लगा दिए थे. तो फिर देखो रात हो चुकी है, ये देखो रात हो गई थी घर आते आते. अब हम अपने घर के बहुत पास है, वो देखो हमारा मंदिर भी दिखाई दे रहा है. अब हम आ गए अपने घर. गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और रात के अभी 8:30 बज चुके हैं और मुझे खाना भी बनाना है, इसलिए बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. ओके बाय.